सर्द रातों में भी इमारतें रजाई नहीं ओढ़ती। सदियों पुरानी जमीन पर लेटने वालों के लिए आसमान भी चादर नहीं बनता, और हीटर के दम पर तापमान का अपमान कर सकें इतनी हैसियत सबकी नहीं। अलग अलग शर्तों के साथ मौसम शहर के अलग अलग हिस्सों से रिश्ता कायम करता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है, ये खबर माँ पटना में टीवी पर देखती है और हमें आगाह करती है। हमारा स्मार्टफोन माँ की खबर की तस्दीक करता है। एक दौर था जब लोग मौसम को उसके मिजाज से परखते थे, लेकिन टीवी और स्मार्टफोन के इस जमाने में ज्यादातर लोगों के लिए मौसम एक वेदर या न्यूज अपडेट भर है। आपका मोबाइल सर्दी को सिर्फ सेल्सियस में आंकता है और न्यूज अपडेट इसके असर को ठंड से मरने वाले लोगों के आंकड़े के रूप में। लेकिन वेदर और न्यूज अपडेट से परे भी शहर को मौसम अपने तरीके से तांता सुखाता रहता है। उसकी तस्वीरें आपके स्मार्टफोन पे नहीं दिखती, उसे देखना हो तो आपको ऐसी ही किसी सर्द रात में दिल्ली की सड़कों पर निकल कर देखना होगा। इस कड़कती ठंड में जब आप अपने बेडरूम से अटैच टॉयलेट तक जाने के पहले भी कई बार सोचते होंगे, कई लोग अपने नंगे हाथों से लोहा और कंक्रीट जोड़कर आपके 2 BHK और 3 BHK के सपने को साकार करने में लगे हैं। मिडिल क्लास के सपनों की तरह है NCR की इमारतें भी। हर रोज एक नई ऊंचाई को छू लेना चाहती है, और इसे मुमकिन बनाती है तकनीक। ये विशाल क्रेन जिसका एक छोटा सा हिस्सा भर है, और इसे चलाते हैं अताउल्ला जैसे लोग। कहाँ के रहने वाले हो अताउल्ला? सर बिहार का। बिहार जी। बिहार में कहाँ के? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई। तो ये कब से क्रेन चला रहे हो यहाँ? 4-5 साल हो गया। तो कितना कमाते हो? 18,000। 18,000। तो 18,000 रुपये में घर हो जाएगा दिल्ली में अगर ऐसे ही कमाते रहोगे तो? दिल्ली में घर ना हो पाएगी सर। नहीं हो पाएगा, कहाँ से होगा, इतना महंगा महंगा घर है। तो दूसरों के लिए घर बनाते हैं, अपना घर नहीं है। नहीं जी सर। हाँ, ये बात तो है। तो डर नहीं लगता? नहीं, डर तो लगता था पहले, अब डर नहीं लगता है। क्योंकि पेट के लिए जो है कुछ भी करना पड़ता है, रोजी रोटी कमानी है तो, है ना जी। तो डर को पीछे छोड़ना होगा जी। नहीं जी। मैं तो आ रहा था तो मेरे तो पांव कांप रहे थे यार। नहीं, पहले मेरे को भी डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। अब डर नहीं लगता है। तो वो और लोग होते होंगे जिनके लिए डर के आगे कुछ और होता होगा, यहाँ डर के आगे सिर्फ एक चीज है, वो है रोटी। बढ़ती आबादी पर लोग मजाक में कहा करते थे कि भारत की तरक्की सिर्फ रातों में हुआ करती है। दौर बदला, पुराने मुहावरे को किसी ने नए सिरे से देखा और एक किताब लिख डाली, इंडिया ग्रोज एट नाइट। और भारत की तरक्की कैसे होती है रातों में, ये उसकी एक वानगी भर है। सिर्फ रोजी रोटी की जरूरत ही नहीं है जो सर्द रातों में भी इंसानों को जगाए रखती है, भक्ति की भूख भी कई बार सोने नहीं देती। रात के 2 बजे भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में सेवादारों की कमी नहीं होती। रात के 3 बज रहे हैं और एक बार की यकीन करना मुश्किल होगा कि जनवरी की इस सर्द रात में भी इस गुरुद्वारे में इतने सारे लोग एक साथ हैं। इस समय क्या चल रहा होता है यहाँ रात में 3 बजे के आसपास, इतने सारे लोग? देखिए, यहाँ पर जो प्रोग्राम है अमृत वेले का, वो सुबह 1 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। अच्छा। 3 बजे तक प्रकाश होता है। अच्छा। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक गुरु महाराज के स्थान की और शहीदी स्थान की सेवा की। ये हर रोज जाड़ा गर्मी बरसात मर्जी हो। अच्छा। रूटीन चलेगी। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सभी उम्र के लोग, आप तो आप बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोग है ना, 70-98 तक सब आते हैं। हाँ, तो आप कहाँ काम करते हैं? मोबाइल की शॉप है। अच्छा, मोबाइल की शॉप है। तो कितने बजे खोलते हैं वो? सर खोल लेते हैं 10:30-11। 10:30-11। तो यहाँ जब 3-4 घंटे रात में रहते हैं तो फिर नींद कैसे पूरी होती है? 4 बजे हम सो जाते हैं, 4:30।
सुबह उठते हैं 10 बजे तक उठ के, आधे घंटे में तैयार होकर दुकान पर। अच्छा, और फिर जब रात में आते हैं तो रात में सोते हैं कि नहीं आने के पहले? नहीं नहीं, पाँच घंटे छह घंटे की नींद पूरी हो जाती है हमारी। अच्छा, 12 से लेकर 3 बजे तक यहाँ हम होते हैं। दिल्ली के बारे में लोग सोचते हैं कि दिल्ली के नौजवानों की रात पब और डिस्कोथेक में गुजरती है, लेकिन ये दिल्ली के नौजवानों की एक दूसरी तस्वीर है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, राजधानी की कहानी के किरदार पुराने हैं। दिल्ली ने हर दौर में गुस्से से उपजा शोर देखा है, और इस गुस्से और शोर को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा और सुना है तो वो है जंतर मंतर। लेकिन जनवरी की सर्द रात को अगर जंतर मंतर की सूनी सड़क को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र सिर्फ उजाले में बागी होता है, तो जरा इसके फुटपाथों पर झांकिए, वो अब भी सुलग रहे हैं। बस जरा सा कुरेदने की जरूरत है, उबटने की जरूरत है, और सवालों की चिंगारियां फूटने लगती है। अच्छा, आप लोग सो नहीं रहे हैं? हैं? अच्छा, यहाँ हम लोग यहाँ शोर कर रहे थे तो आपकी नींद खुल गई होगी? नहीं, कि क्या हो रहा है यहाँ? हैं, बैठ जाऊँ इस पे? हाँ बैठिए जी, आप बैठिए। अच्छा, आपका स्वागत है। अच्छा, यही टाट ओढ़ते हैं और बिछाते भी यही हैं? हैं? अच्छा, यही ओढ़ना और यही बिछाना है। अच्छा, तो ये भारतीय भाषा आंदोलन, तो ये आप लोग रोज रात को यहाँ सोते हैं? हाँ जी, 20 अप्रैल 2013 से जंतर मंतर पर भारतीय भाषा आंदोलन जारी है। 13 से यहाँ चल रहा है आप लोग का? अच्छा, इसके पहले भी कहीं कर रहे थे? हाँ जी, इससे पहले भारतीय भाषा आंदोलन संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर सन 1988 से शुरू हुआ था, और सन 2000 में वहाँ पर वाजपेयी सरकार। अच्छा, 88 से, यानी कि कितना साल हो गया? 26 साल। 26 साल ना? बिल्कुल, 88 से 26 बरस। बिल्कुल। और आप लोग 26 साल से जुड़े हुए हैं इससे? हाँ जी, मैं 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 1990 से 93 तक जुड़ा रहा। हाँ। उसके बाद अपना काम कर लगातार धरना दे रहे हैं। हाँ, किस बात, किस, क्या मांग, क्या है, क्या चाहिए? हमारी मुख्य मांग ये है कि भारतीय राज व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, वैज्ञानिक अध्ययन व्यवस्था से अंग्रेजी की अनिवार्यता पूरी तरह से समाप्त हो। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। और आप? मैं मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश और आप मध्य प्रदेश से। तो ये इतने साल से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई सुनता नहीं है आप लोगों की? कभी कोई आया यहाँ आप लोग से पूछने की इतनी रात गए, इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर ऐसे सोए हुए, टाट बिछा के? क्या क्या बिछाए हुए हैं भाई इसमें? दरी बिछी हुई है। दरी बिछी नीचे, ये क्या है? ये थर्मोकोल टाइप की चीज है ठंड रोकने के लिए, और फिर कंबल है, हैं, और उसके ऊपर टाट है ना, और टाट ओढ़े भी हैं ताकि हवा नहीं जाए अंदर। अपनी भाषा को लेकर आंदोलन तो मर्यादित है, लेकिन अंधभक्ति कैसे हास्यास्पद हो जाती है ये भी देखिए। साइंस जो शब्द है वो भी साइंस और निरसन दो पद्धति है व्यवस्था की। तो और यदि आप उसमें जाएंगे, यानी कि मतलब सबके मूल में जो है वो संस्कृत भाषा है। स्विट्जरलैंड का भी आज भी ओरिजिनल नाम है, मूल नाम है उसका भी नाम कॉन्फेडरेशन हलबेटी का है, और हल्की बेटी सीता माता है। इससे ये साबित होता है कि हमारी संस्कृति बहुत दूर सुदूर पश्चिम तक फैली थी। पांचों दीपों के नाम, ये नई बात आपने बता दी। पांचों दीपों के नाम, आर्यवृत, अंटार्कटिका, अंत में बिल्कुल जाकर। अच्छा, इसलिए अंटार्कटिका क्या है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, सोमालिया सोमालिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ब्राजील वज्रालय। अच्छा, ब्राजीलिया उसकी राजधानी है। अच्छा, वज्रालय। जर्मनी जर्मन। हाँ। बर्लिन और बोन। तो बर्लिन का मतलब जो मतलब आप लोग का बस चले तो पूरी दुनिया में जो है वो हिंदी के अलावा कुछ और रहने नहीं दीजिएगा, और संस्कृत के अलावा है। धीरे धीरे अभी लगता है कि ये भारतीय भाषा आंदोलन जो है वो विश्व भाषा आंदोलन में बदल जाएगा। आंदोलनों के इस रैन बसेरे में कुछ तो खुद टिके हैं, लेकिन कई लोग अपना विरोध टांक कर चले गए हैं। इंसानों की अर्थियां शमशान जाती है, कब्रिस्तान जाती है, लेकिन विरोध की अर्थियों को जगह मिलती है जंतर मंतर पे। मसलन नीम के पेड़ से टंगे इस अर्थी को देखिए। फूलों और नोटों से सजाई गई ये अर्थी एक कंपनी के खिलाफ है। आंदोलनकारी शायद ये बताना चाहते हैं कि मालिक इतना कंजूस है, मालिक इतना
बेरहम है कि मरने के बाद भी ये नोट अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसे तमाम इश्तेहार विरोध के बैनर आपको पूरे जंतर मंतर पर टंगे हुए दिख जाएंगे। एक बार ये ऐसा लगता है कि जंतर मंतर नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक विशाल नोटिस बोर्ड है जिस पर लोग अपनी पीड़ा, अपना विरोध, अपना गुस्सा सब कुछ टांक जाते हैं। ये बात और है कि कोई इन्हें कभी देखने, पढ़ने और समझने आता है या नहीं। जंतर मंतर पर मुद्दों का टोटा कभी नहीं रहता। कुछ यहां दिन के उजाले में शुरू होते हैं और रात के अंधेरे से पहले खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे आंदोलन होते हैं जो यहां दिन में आते हैं और हमेशा के लिए यहीं होकर रह जाते हैं। और ऐसा ही एक और आंदोलन है, भगाना प्रकरण। और आप देख सकते हैं कि यहां एक लंबे अरसे से लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया है, रहने का पूरा इंतज़ाम है, बड़े बड़े भगोने हैं, बर्तन हैं, गैस चूल्हा है। यानी कि यहाँ पर जो सो रहे हैं करीब 8-10 लोग, 15 लोग, दिन में भी और भी लोग होते होंगे लेकिन अभी 8-10 लोग जो सो रहे हैं उनके खाने पीने का, रहने का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। इंसान ही नहीं आंदोलन भी गरीब और अमीर होते हैं। जनवरी की ठिठुरती रातों में जंतर मंतर से बेहतर ये बात कोई और नहीं बता सकता। भारतीय भाषा का आंदोलन जमीन पर सोता है और टाट ओढ़कर जनवरी की सर्द रातें काटता है। दूसरी तरफ एक आंदोलन है गोवध के खिलाफ जो मंच पर सोता है और टेंट के भीतर भी रजाइयों में होता है। मौसम हम सब से गुजरता है, आंदोलनों से भी। सरकारी सर्दी, पुलिसिया गर्मी और भीतर की पीड़ा की बारिश सबसे गुजरती है, इंसानों और इश्तेहारों दोनों को तोड़ती है। मसलन यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है जिसमें आरोपी पुलिस वाला SSP है, लेकिन वक्त और मौसम की मार ने इस बैनर को जर्जर कर दिया है, बदरंग कर दिया गया है। और इसके समर्थन में लगाए गए नए बैनर के सामने चुनौती अब ज़्यादा बड़ी है क्योंकि आरोपी पुलिस वाला अब DIG है। एक तीसरा बैनर भी है यहाँ पे जो कि दुनिया भर में यौन अपराधों के खिलाफ दिए जाने वाले सजा का पूरा ब्यौरा बता रहा है। इसमें कुवैत, ईरान, मलेशिया, मंगोलिया, इराक, कतर, पोलैंड, अमेरिका, सभी मुल्कों का जिक्र है इसमें। कुवैत में 7 दिनों के अंदर गोली मार दी जाती है, चीन में नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद मृत्युदंड, मलेशिया में डेथ पेनाल्टी, सारा जिक्र है। और सबसे आखिर में इंडिया की बात है, लिखा है प्रदर्शन, धरना, जांच आयोग, समझौता, रिश्वत, लड़की की आलोचना, मीडिया ट्रायल, जमानत, सालों बाद चार्जशीट, सालों तक मुकदमा। कुल मिलाकर शब्दों का एक जाल है और घटनाओं का एक ऐसा भंवर है जिसका परिणाम है कि अंत में दोषी बच निकलता है। निर्भया के इंसाफ की लड़ाई अदालतों में फंसी है। एक वक्त था जब पूरा जंतर मंतर निर्भया निर्भया के नारों से भर जाता था। आज जंतर मंतर के एक कोने में एक लौ भर बची है उस आंदोलन की, एक अकेली लौ और इतनी बड़ी अंधेरी रात, कह नहीं सकते कि कब तक लड़ेगी, लेकिन जब तक ये रोशन है अंधेरे से बाहर निकल आने की उम्मीद कायम है। जंतर मंतर पर हमारा सफर अब खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं भी टांक जाना चाहता हूं कि सुने जाने की गारंटी के बगैर बोलने की आजादी के क्या मायने हैं। कभी हमारे हुक्मरानों को सोचने की फुर्सत मिले तो मुमकिन है कि आधी रात के इन आंदोलनों को दिन की रोशनी नसीब हो। धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात तो सजाए सपने, धीरे धीरे चल चांद गगन में। किसी ने कहा शहर एक संभावना है और जिनकी संभावनाएं हकीकत में तब्दील हो जाती है वे शहर के अपने हो जाते हैं, वे ऐसी सर्द रातों में घरों में सोते हैं। लेकिन शहर जिन्हें अपना नहीं पाता उनकी रातें अक्सर या तो फुटपाथों पे या ऐसे रैन बसेरों में कटती है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर ऐसे रैन बसेरों को चलाने की जिम्मेदारी है। आप केयर टेकर हैं इसके? हाँ जी।
तो यहाँ पर जो लोग सो रहे हैं ज्यादातर कहाँ के लोग हैं? सब सही लोकल में है, गाँव के हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं। अच्छा, इसके बाद नेपाल के भी हैं। अच्छा, सब मजदूरी करने आए हुए लोग? मजदूरी करने आए हैं, मजदूरी करते। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर इनको आप खुद लेकर आते हैं या खुद चले आते हैं अपने आप? नहीं सर, यहाँ पर हमारी गाड़ी जाती है, अगर हम यहाँ पास में होते तो हमारे 100 मीटर के दायरे में गाड़ी आती है, उन्हें हम लेके आते हैं, उन्हें बताते हैं कि निःशुल्क है। सब सोचते हैं यहाँ पर चार्ज लगता है, हम बताते हैं यहाँ निःशुल्क है, फ्री है सबके लिए। अरे अलाव उलाव का इंतजाम आप ही करते हैं कि ये? नहीं सर, हम ही करते हैं। अच्छा, आप ही करते हैं कि आपकी रात किसी तरीके से कट सके? हाँ जी, है ना। इनको सोकर काटना है, आपको जाग के काटना है? चलिए ठीक है सोनू जी, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। दिल्ली में ऐसे सरकारी रैन बसेरे कहीं कहीं ही दिखाई दिए, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड और बेघर हर जगह। कपाती ठंड के आगे कहीं एक लकड़ी आग है तो कहीं इबादत में उठी एक अकेली आवाज। ठंड का कोई मजहब नहीं और इबादत का कोई वक्त नहीं। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह रात भर रोशन रहती है। वक्त के अलग अलग आईने में शहर का चेहरा अलग अलग दिखता है। दिन के उजाले में अगर आपका कभी यहाँ आना हुआ हो तो रात के सन्नाटे में इसे पहचानना जरा मुश्किल होगा। दिन भर की रेलम पेल से उबी और थकी सी सड़क, आलस से भरी ट्रैफिक की बत्तियां सब जैसे लैंप पोस्ट की पीली रोशनी और धुंध में लिपटे सुस्ता रहे होते। बस इक्की दुक्की गाड़ियों की आवाज से जागते हैं और फिर से सो जाते हैं। और अब हम जहां पहुंचे हैं वहां से तय होता है आपके डाइनिंग टेबल से लेकर संसद तक के बहस का एजेंडा। सांसद महोदय महंगाई के मुद्दे पर वेल में कूदेंगे कि नहीं, ये ऐसी मंडियां तय करती हैं। ये मंडियां तय करती है कि सियासी पार्टियां इस बार महंगाई के चुनावी बैनर लगाएंगी कि नहीं। और ये गोभी की मंडी है, इस मंडी में तो सारी सब्जियां हैं लेकिन हम जिस दुकान पे हैं ये गोभी की आढ़त है। क्या भाई कैसे चल रहा है गोभी? गोभी गई बिगड़ा 100-150 रुपए कट्टा। 100-150 रुपए? 100-150 रुपए कट्टा, मतलब ये 100 से लेके 150 के बीच में। हाँ, 200 तक एक कट्टा में, मतलब कितना किलो होता है? 20-22-25। अच्छा, यानी कि तो यहाँ तो उस हिसाब से तो बड़ा सस्ता है, लेकिन बाजार में तो बड़ा महंगा मिलता है। यहाँ तो बहुत सस्ता, 50-60 रुपए बिक रहा है। 50-40 बिक रही है। 50-40 का धड़ी? हाँ जी, धड़ी का मतलब 5 किलो। 5 किलो है ना? हाँ जी, यानी कि 4-5 रुपए किलो हो गया ना? नहीं, 8-10 रुपए किलो। कैसे? 8-10 रुपए किलो। तो बाहर में तो बहुत महंगा, इसे 2-2.5 गुना बिक रहा है। बाहर 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। 40 रुपए, तो ये इतना ज्यादा कैसे हो जाता है भाई? अब खर्चे भी तो पड़ते हैं उन लोगों को जाने पे। अच्छा, सब्जियां बर्बाद होती हैं बेचने वालों को? जी हाँ, इसलिए अपना वो मार्जिन लेके चलते हैं। है? तो सब कहते हैं, लेकिन बदनाम मंडी वाले होते हैं कि मंडी वाले सब भाव बढ़ा देते हैं। नहीं, मंडी वाले में 40-40-10 रुपए किलो सगली गोभी बिक रही है जी। तो किसान अलग रोता है कि भाई उनको तो कुछ मिलता नहीं, उनको तो वही 2-4 रुपए मिलना होता है। किसान को क्या मिल रहा है इस भाव में? कुछ भी ना मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो वो तो कहते हैं कि भाई जो मिल रहा है मंडी वालों को मिल रहा है, और जो रिटेलर है उनको कहते हैं कि हमारा तो ये बर्बादी हो जाता है। तो जो कमाई हो रही है मंडी वालों की हो रही है, ऐसा कह रहे हैं। रिटेल वालों को होती है कमाई, उनको क्या हो रही है बेचारा? अच्छा, रिटेल वालों को होती है। हाँ जी, 8-10 रुपए किलो का सगली गोभी बिक रही है जी। अच्छा, आप लोगों को उतनी कमाई नहीं होती? ना है? अच्छा, तो अब ये महंगाई का जो अर्थशास्त्र है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, और मंडी में आकर तो ये कुछ ज्यादा ही उलझ जाता है। किसका फायदा किसको नुकसान कहना बड़ा मुश्किल है। रात खत्म होने को है, बीता हुआ पूरा दिन अखबार में समा चुका है और आपके इलाके में आ चुका है।
हम क्या जाने दीवारों से कैसे धूप उतरती होगी, रात रहे बाहर जाना है, रात रहे घर आना बाबा। आप में से कितने लोग उस शख्स का चेहरा देख पाते हैं जो हर सुबह आपकी बालकनी या दरवाजे पर अखबार फेंक जाता है। सच तो ये है कि खबरों का ये बाजार रात के आखिरी पहर में सजता है और सुबह के धुंधलके में ही खत्म हो जाता है। हमने सर्द रातों का शहर से क्या रिश्ता होता है ये जानने समझने की कोशिश की, लेकिन दिन जैसी नहीं होती है रातें। लैंप पोस्ट की रोशनी से परे धुंध और अंधेरे में लिपटे जाने कितने कोने होते हैं शहर के, जहां जिंदगी शहर के बदले मिजाज और मौसम के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही होती है और जहां तक हमारा कैमरा नहीं पहुंच पाता। सच तो ये है कि शहर से होकर गुजरने वाली हर रात अलग होती है और इसे देखने वाली हर नजर के सामने नजारा नया होता है।